नमस्कार दगड़ियों, स्वागत है आप सबका नैनमाल सीरीज में। दगड़ियों, आज हम आपको उत्तराखंड की लोक गायिका मीना राणा के बारे में बताने वाले हैं। जी हाँ, मीना राणा उत्तराखंड की सबसे चर्चित महिला गायकों में से एक है। गढ़वाली गानों में उनकी आवाज को सुनकर लोग उन्हें उत्तराखंड की लता मंगेशकर भी कहते हैं। मीना राणा गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा के गाने भी गाती हैं। यही नहीं दोस्तों, हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि वे नेपाली और तिब्बती गाना भी गा चुकी हैं। उनके गाने उत्तराखंड के कोने कोने में सुने जाते हैं। मीना राणा जी मई 24, 1975 में पैदा हुई थी। उन्होंने अपनी शिक्षा बेटरल मेमोरियल गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजपुर रोड दिल्ली से की थी और फिर उसके बाद वे अपनी बहन के साथ मसूरी चली गई। उसके बाद उन्होंने अपने आगे की पढ़ाई मसूरी गर्ल्स इंटर कॉलेज से की। पढ़ाई खत्म होने के बाद उनकी शादी संजय कुमोला से हो गई और फिर वे दिल्ली में रहने लगी। उनके पति का संगीत से जुड़ाव था, इसीलिए मीना भी संगीत से जुड़ती चली गई। उनके पति पेशे से म्यूजिक डायरेक्टर हैं और अपनी बेटी सुरभि के नाम से एक म्यूजिक स्टूडियो चलाते हैं जिसका नाम सुरभि मल्टी ट्रैक साउंड स्टूडियो है। मीना राणा ने कभी भी कहीं से संगीत की कोई ट्रेनिंग नहीं ली। बचपन से ही वे लता मंगेशकर के गाने सुना करती थी और धीरे धीरे वहीं गाने पे लगी। मसूरी में आकाशवाणी क्लब में पहली बार उन्हें गाने का मौका मिला। मुकेश लाल कुमोला जो कि उनके रिश्तेदार थे, वे उस क्लब के प्रेसिडेंट थे। उस समय वह गढ़वाली गानों में पारंगत नहीं थी, इसीलिए उन्होंने वहां पर नैनो में बदरा छाए गाना गाया। लोगों को वो गाना इतना पसंद आया कि मीडिया और वहां मौजूद सभी ने उसे खूब सराहा। मणि भारती और पूरन सिंह रावत उस दिन उनके खास परफॉर्मेंस के गवाह बने। उसके बाद उन्होंने श्री राम लला जी जो कि उनकी बहन के पति थे, उनसे कहा कि वे मीना को उनके लिए गाना गाने की अनुमति दे। उनकी अनुमति के बाद 1991 में मीना अपनी पहली रिकॉर्डिंग के लिए दिल्ली आई। वह उनके करियर का पहला ब्रेक था जो फिल्म नौनी पिचौड़े नौनी में गाना गाने के लिए मिला था। मीना उस वक्त हाई स्कूल में थी। तो दोस्तों, ये है मीना राणा जी के सफर की वो कहानी। आज मीना राणा किसी पहचान की मोहताज नहीं है और उत्तराखंड की लोक गायिकाओं में उनका नाम शुमार है। आज भी वे कई गढ़वाली गाने और कुमाऊनी गाने गाती हैं और उत्तराखंड के युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी बनी हुई है। दोस्तों, आपको मीना राणा जी का कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद आता है, आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। साथ ही अगर आप मीना राणा जी को पसंद करते हैं तो उनके लिए एक लाइक तो बनता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगी, आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। साथ ही दोस्तों, नैनवाल सीरीज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।